और गाड़ी फूटेंगे देखो, अभी तक ऐसी कुछ भी बातें नहीं हुई है पार्टी में, पर आगे चल के आगे का वक्त बहुत कठिन है चलना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरों से आगे जा रही है, पर कार्यकर्ता जो उल्लासनगर के जिस जोश में काम कर रहे थे तो वो रुकने नहीं चाहिए, ये पार्टी ने सोचना चाहिए। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। Rishto.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असावट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आहियूं, असां सां हजारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिन। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गड, तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री रविंदर चौहान बुधवार को उल्लासनगर पहुंचे थे, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उल्लासनगर शहर के नए बनाए गए अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए और जिला कार्यालय के पहले मंजिले पर बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के वार रूम का उद्घाटन भी किया। इस दौरान जब मीडिया ने पद नियुक्ति को लेकर, पदाधिकारियों के विरोध को लेकर सवाल करने चाहे तो कैबिनेट मंत्री रविंदर चौहान चुप्पी साधते हुए बिना कुछ बात करते हुए चले गए। दरअसल बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर जिला कार्यालय में शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी द्वारा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था और यह कार्यकारिणी की दूसरी बैठक थी, जहां इस बैठक में पदाधिकारियों को मंत्री रविंदर चौहान के हाथों से नियुक्ति पत्र भी दिए गए। वही पद नियुक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने पहली कार्यकारिणी की बैठक में खुलकर सामने आकर अपना विरोध जताया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुए थे। इसी पद नियुक्ति को लेकर शुरू हंगामे को देखते हुए पत्रकार भी मंत्री रविंदर चौहान से सवाल करना चाहते थे, जहां पत्रकारों से पहले कहा गया कि यह उनकी पर्सनल मीटिंग है और सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत की जाएगी, पर ऐसा न करते हुए मंत्री रविंदर चौहान मीटिंग समाप्त होते ही अपने लाओ लश्कर के साथ वहां से निकल गए। वहीं इस बैठक में आमदार कुमार एलानी, पार्टी के कई नगर सेवक, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई नेता और पुराने कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं थे। मंडल चार के पूर्व अध्यक्ष नीलेश बोबड़े ने पद नियुक्ति को लेकर कार्यकारिणी की पहली बैठक में विरोध जताया था, अब उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जनपद शेड आगे बढ़ो, जवान आगे बढ़ो, परिवर्तन हो गया है ना। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अरे तू बाइट दे, सांग तुला बोलवलाय, ते सांग काय तुमची जी नाराजी होती ती दूर करण्यासाठी तुम्हाला काय सांगितलं? आपकी नाराजगी दूर हो गई क्या बोबले जी? आपकी नाराजगी जो दी आपने इंटरव्यू भी दिया था, नाराजगी दूर हो गई आपकी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसमें मैंने जैसे दो दिन पहले बताया था किसी मीडिया चैनल में हमारे दोस्त के कि हम दो दिन के बाद हमारे नेताओं से बात करेंगे, वैसे ही मैंने आज नेता से बात की है, उन्होंने मुझे कुछ वक्त दिया और बोला तुम्हारे लिए सोचा जाएगा। आपके साथ और भी कई नेता जो पार्टी के पुराने पदाधिकारी थे वो भी नाराज थे, सबकी सहमति बनी है, सबको आश्वासन मिला है क्या? देखो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी आश्वासन पे नहीं चलते, भारतीय जनता पार्टी के नियमों में और कायदे से चलते, लोकशाही पक्ष है। तो अबे जो भी निर्णय हर आदमी, हर नेता अपना पक्ष नेताओं के सामने रखेगा, वरिष्ठों के सामने रखेगा, उन्हें न्याय देने का भूमिका जो हमारे नेताओं की वो देंगे। इसको अभी तक ऐसी कुछ भी बातें नहीं हुई है पार्टी में, पर आगे चल के आगे का वक्त बहुत कठिन है चलना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरों से आगे जा रही है, पर कार्यकर्ता जो उल्लासनगर के जिस जोश में काम कर रहे थे तो वो रुकने नहीं चाहिए, ये पार्टी ने सोचना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।